नमस्कार, गुड मॉर्निंग, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ आए हैं। थोड़ा सा दुख भी हो रहा है कि संडे है और आप सबको जल्दी उठा दिया गया। आज का जो हमारे प्रोग्राम का टाइटल है, मैं कविता हूँ, तो मैं तो हूँ ही कविता, लेकिन मैं कविताओं पे और पोइट्री पे काफ़ी काम कर रही हूँ कि जो बुक्स या जो पोइट्री किताबों में बंद है, आजकल जो ट्रेंड ख़त्म हो रहा है पोइट्री पढ़ने का या बुक्स पढ़ने का ट्रेंड ख़त्म हो रहा है, उसको मैं, जो अच्छे कलाम मुझे लगते हैं, मैं लोगों तक पहुंचाने का एक काम कर रही हूँ। मुझे जो भी शायरी पसंद आती है तो उसे मैं अपनी आवाज़ देकर लोगों तक पहुंचाने का काम कर रही हूँ। बॉलीवुड तो ठीक है, अपनी जगह है, बट मुझे, मेरा जो प्यार है, इश्क है, मोहब्बत है, वो पोइट्री की तरफ कहीं ज़्यादा है, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। और बेसिकली लोग मुझे जानते हैं कि मैं सूफ़ी म्यूज़िक पे काफ़ी काम भी किया है, लेकिन मुझे, मैं उसमें अपने आप को सिर्फ बांधना नहीं चाहती हूँ, उसके बियॉन्ड भी मैं क्या क्या हूँ, तो वो भी सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन सूफ़ी म्यूज़िक या सूफिज़म क्या है मेरी नज़र में, उनको चंद शेरों के माध्यम से आपके साथ शेयर करूँगी। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। आपको शेर अच्छा लगे तो आप तालियां बजा सकते हैं। ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मामला कोई और है। जिसे ढूंढता यहाँ वहाँ दिल में तेरे मौजूद है, जिसे मिल गया एक बार वो उसी दिल में असर मौजूद है। जिसे मिल गया एक बार वो उसी दिल में असर मौजूद है। एक शेर है कि जब हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, ये हकीकत है कि हर जर्रे में तू रहता है, फिर जमीन पर कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है, फिर जमीन पर कहीं मंदिर कहीं मस्जिद क्यों है। मेरी आँखों में ए मौला, मेरी आँखों में ए मौला, तेरी ये जागती आँखें यहीं से दूसरे संसार का रास्ता निकलता है। ओ भटक ना चाहूं तो सोचे मेरी बदलता है, भटक ना चाहूं तो सोचे मेरी बदलता है, कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है, कोई तो है जो मेरे साथ साथ चलता है।
रूबरू दरमियां नहीं कोई, तू जहां है वहां नहीं कोई, रूबरू दरमियां नहीं कोई, तू जहां है वहां नहीं कोई, आरजू में है जुस्तजू में तू, बिन तेरे रहनुमा नहीं कोई, बिन तेरे रहनुमा नहीं कोई। एक और बहुत प्यारा शेर मैंने कल इसमें ऐड किया है, अजल से ढूंढता फिर रहा हूँ तेरा आस्ताना किधर है, अजल से ढूंढता फिर रहा हूँ तेरा आस्ताना किधर है, पता तेरा पूछूं तो मैं किससे पूछूं, पता तेरा पूछूं तो मैं किससे पूछूं, जिसे कुछ खबर है वही बेखबर है, जिसे कुछ खबर है वही बेखबर है। यही सूफिज्म है। और ये पूरे जो मैंने अशार पढ़े और इसमें हर एक शेर अपने आप में जुदा है और अलग अलग शायरों का कलेक्शन था, तो क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट है सूफी संगीत या सूफिज्म, तो उनको शब्दों में जुटा पाना मेरी तो हिम्मत ही नहीं होती, तो मैंने कई शायरों की मदद ली है और वो जस्ट आपके सामने रखा है। तो कबीर के बारे में कविश कुछ कहना चाहोगे तुम? सूफिज्म की बात होती तो मतलब कबीर भारत में देखें तो कबीर तो बहुत पहले आते ही जब टकरा ही जाते हैं, और मेरी नज़र में मुझे लगता है कि कबीर बहुत लाइक वन ऑफ द बेस्ट सॉन्ग राइटर्स रहे हैं इंडिया के अभी तक। मतलब उन्होंने कब गाने लिखे मतलब, और आज तक वो जिंदा है, और उस वक्त कोई पीआर भी नहीं था, बॉलीवुड भी नहीं था, अगर कुछ भी नहीं था, मतलब कैसे कैसे कोई बात गली में जाके कैसे शहर दर शहर और पूरे प्रांत दर प्रांत तक पहुंच जाती, पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचती जा रही है उनकी बात। और सबसे जो बड़ा रीज़न मुझे लगता है उनकी पोइट्री का लोगों तक पहुंचना, क्योंकि बहुत सहज भाव से उन्होंने लिखा और इतने सिंपल तरीके से जो आम फहम आम जुबान होती है उसमें अपनी एक बात कह दी, कोई उसमें कलाकारी नहीं, कोई छलावा नहीं कि मुझे ये किसी को इम्प्रेस करना है उसके लिए लिखा हो, जो ख्याल उनके जहन में आया वो उन्होंने एज इट इज़ लिख दिया, तो शायद वो इसीलिए इतना लोगों तक पहुँचे हैं। और मतलब पूरा एक वो हो गया है, कबीर की जो फॉलोइंग है लोग कबीर पंथी हो गए हैं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि सबका अपना अपना एक रास्ता है, अपनी अपनी एक मंजिल है, मुझे किसी में जाना नहीं है, सबको सुनना है, सबको समझना है, फिर जो मेरा रास्ता है मैं उस पर चलूँगी, ऐसा होना भी चाहिए शायद। तो उनका एक पद है, तो इसमें आज हमने क्या किया है कि हमने जैसे अभी चंद अशार पढ़े आपके सामने, तो डिफरेंट पोइट्री के जो फॉर्म्स हैं वो लिए हैं। अभी मैं कबीर का एक पद गा रही हूँ, तो उसके बाद कुछ और है, फिर कुछ और है, तो अलग अलग चीज़ें रखी हैं। तो उनका एक बड़ा खूबसूरत सा पद है जो कि मैंने और कविश ने मिलके ही कंपोज किया था, और उसकी जो पूरा म्यूजिक डिजाइनिंग है वो सारी कविश ने ही की है। सब जग माया गुलाबी रंग लगाया री, सब जग माया गुलाबी रंग
कंकड़ चुन कर महल बनाया कहता है घर मेरा, कंकड़ चुन कर महल बनाया कहता है घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा, आशा कृष्णा ना मरी, आशा कृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर रे भैया, कह गए दास कबीर, सब जग माया तारे हीरे मोती चांदी सोना चाहता है, चांद तारे हीरे मोती चांदी सोना चाहता है, देखिए क्या क्या ये मिट्टी का खिलौना चाहता है, चांद तारे हीरे मोती चांदी सोना चाहता है, देखिए क्या क्या ये मिट्टी का खिलौना चाहता है, खुश नहीं है कोई भी दुनिया में अपने आप से अब, खुश नहीं है कोई भी दुनिया में अपने आप से अब, हर कोई अपने सिवा कुछ और होना चाहता है, हर कोई अपने सिवा कुछ और होना चाहता है, उसको पाने की तमन्ना हर किसी की है सदा, उसको पाने की तमन्ना हर किसी की है सदा, पर कौन उसकी जुस्तजू में खुद को खोना चाहता है, कौन उसकी जुस्तजू में खुद को खोना चाहता है। शुक्रिया। मेरे दोस्त ने बोल मेरे एक दोस्त ने मुझे इतना ज़्यादा सूफिज़म के बारे में पता नहीं था, तो एक बार मेरा एक दोस्त आया था तो हम अपने IIT टेरेस पे बैठे थे, तो वो बोला था सूफिज़म और इस्लाम में फ़र्क क्या है, मुझे वो बता रहा था, तो कितना सही है कितना गलत है वो तो आप सब तय करें, लेकिन मुझे काफ़ी सही लगा था। उसने बोला था कि ला इलाही इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह इज़ इस्लाम और ला इलाही इल्लल्लाह इज़ सूफिज़म, मतलब कि गॉड और मोहम्मद उसके प्रॉफिट है तो इस्लाम हो जाता है, और अगर सूफिज़म है तो आप एक ही रस्त, मतलब बहुत से रस्ते हो सकते हैं टुवर्ड्स एक ही मंजिल। और ये जो अगला जो ये जो मैं गा रही हूँ ये गज़ल है बहादुर शाह जफ़र, तो इसमें भी सूफिज़म के बारे में सबका जो अलग अलग अंदाज है, मैं वो सब कलेक्टिव लेकर के आई हूँ। मतलब सूफिज़म का रास्ता बहुत मुश्किल है क्योंकि बहुत सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, मतलब बहुत पूरी जान झोंकनी पड़ती है, और आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में कितना स्ट्रगल करते हैं
तो उस स्ट्रगल को इस एक तरीके से गजल में बहादुर शाह जफर ने लिखा है ना। यार की कोई खबर लाता नहीं, यार की कोई खबर लाता नहीं। दम लबों पर है, दम लबों पर है, निकल जाता नहीं। यार की कोई खबर लाता नहीं, यार की कोई खबर लाता। लाता नहीं।
ये जो मैंने गाई ये गजल थी और अभी जो मैं गा रही हूँ वो एक नज्म है. नज्म में एक फॉर्मेट होता है कि कंटिन्यू चलती है, कोई पैराग्राफ नहीं होते हैं उसमें. तो मेरी एक एल्बम रिलीज हुई थी 2012 में, उस एल्बम का नाम ही था एक दिन. और ये पूरी एल्बम में जितने भी गज़लें नज़में जो भी हैं वो सब दिल्ली के एक शायर हैं जगदीश प्रकाश जी, उन्होंने लिखा है. और सारे ही सॉन्ग्स उसमें बहुत अच्छे हैं. ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये कहीं ना कहीं इसमें ज़िक्र है कि हर पल जीने की जो बात कही है कि हम लोग बहुत सी चीज़ें कल पे टालते जाते हैं, कि प्रेजेंट मोमेंट में जीने की जो बात है और हर दिन फुल 100% जीना है, टालना नहीं है किसी भी चीज़ को. तो वो सारा कुछ इसमें है उस इस नज़्म में. और हर किसी को ये लगेगा कि ये बस मेरी कहानी है, मेरी कहानी है. जब मुझे ये नज़्म मिली थी बहुत साल पहले, बहुत अपील की थी मुझे और इमीडिएट मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी कोई गज़ल गीत या नगमा कोई भी जस मुझे पढ़ती हूँ और छू जाता है मेरे को, तो पता नहीं ऊपर वाले के साथ कैसा एक कनेक्शन है. वो धुन कहाँ से बनती है मुझे भी नहीं समझ में आता. तो इस गीत के साथ भी वैसे ही हुआ, धुन बन गई, गाना शुरू कर दिया, रियाज़ चल रहा था. इन बिटवीन जब मैं इसको इसका रिकॉर्डिंग प्रोसेस चल रहा था, उस बीच में मिस्टर सेठ कविश के डैडी 2011 में ही एक्सपायर. तो उसके बाद जब मैं ये गाती थी तो मुझे ऐसा लगता था ये तो मेरी स्टोरी पे उन्होंने इतने साल पहले कैसे ये सॉन्ग लिख दिया. ऐसा लगता है कि जस्ट मेरी ही बायोग्राफी है ये. और एक एक लाइन जिस तरीके से उसमें वो खुलती जाती है और आप सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि कहीं ना कहीं मैं भी ऐसे ऐसी चीज़ों से गुजरी हूँ और ये मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है. तो एक बहुत अच्छी सी नज़्म है, उसका उनवान है एक दिन. तो आई एम सिंगिंग खो गए थे राहों में.
जमी थी चांदी सी, एक दिन जिंदगी थी आंधी सी। ये दोनों लाइनें बिल्कुल ऐसा लगता है जब मुझे फिल्म फेयर अवार्ड और सारे अवार्डों से नवाजा गया एक तारा के लिए, तो वाकई जिंदगी चांदी जैसी लग रही थी और अचानक जस्ट विद इन अ ईयर सब कुछ खत्म, कि एक दिन ये जमी थी चांदी सी और एक दिन जिंदगी थी आंधी सी। एक दिन मेरे घर में मेला था, एक दिन बस खड़ा अकेला था, एक दिन की ही सब कहानी है, एक दिन की ये जिंदगानी। ये भी दिन बस के चल देगा, ये भी दिन बस सरक के चल देगा, न जाने कहाँ, न जाने कहाँ, न जाने। तो अभी तक जितनी भी बातें लाइक सूफिज्म को लेके हुई और बाकी सारी चीज़ें हुई, मतलब इल्म की बातें होती हैं तो अक्सर जब समझ में नहीं आती तो आदर्श बन जाते हैं बहुत जल्दी, तो आदर्श बन जाते हैं तो मुझे आदर्श से बहुत दिक्कत है आदर्श बालकों से और आदर्श वाद से और आदर्श से। तो होती आदर्श बन जाते तो बोलते कि ऐसा करो वैसा करो, ये होना चाहिए वो होना चाहिए वगैरह सारी चीज़ें। और ये बात भी है कि पूरी दुनिया में मुझे लगता है कि अपनी बात मनवाने की जद्दोजहद चल रही है, हर कोई चाहता है कि दूसरा अपनी बात मान ले और साथ हो जाए, सब चाहते हैं कि साथ बढ़े, लेकिन कुछ लोगों के हाथ में ताकत ज़्यादा होती है और वो बात फोर्सफुली मनवा लेते हैं वगैरह। तो मैंने एक गीत लिखा था, सड़क का गीत, एक तरीके से सड़क पे ज़्यादा गाता था, तो वैसा है उसकी कुछ मैं लिरिक्स लेके जाता हूँ। कि हुक्म की नहीं चलेगी मेरी दुनिया में, हुक्म की नहीं चलेगी मेरी दुनिया में, बात अगर छू जाए तेरी मेरे दिल में तो बात तेरी चल जाएगी मेरी दुनिया में, मगर हुक्म की। फिर उसके बाद है कि राज का जमाना कब का है जो चला गया, राज का जमाना कब का है जो चला गया, मनमानी करो तुम बेशक मगर मन हानि नहीं। तो साथ में गाएंगे तो अच्छा लगेगा, सड़क का गाना है तो साथ में गाने में मजा आता है। हुक्म की नहीं चलेगी मेरी दुनिया,
बात अगर छू जाए तेरी मेरे दिल में, बात तेरी चल जाएगी मेरी दुनिया, हुक्म की चलेगी बात अगर छू जाए तेरी मेरे दिल में, बात तेरी चल जाएगी राज का जमाना, देखो कब का चला गया, आज का जमाना देखो कब का चला गया, मनमानी करो तुम, मनमानी करो तुम मगर मनहानी नहीं, बात तेरी पहुंचा देगी मंजिल पे तेरी, हुक्म की नहीं चलेगी, ताकत का अंदाजा हम लोगों को गलत सा है, ताकत का अंदाजा हम लोगों को गलत सा है, जोर जबरदस्ती तो कमजोरों की जबानी है, वजन पैदा कर अगर तुझे बात मनवानी है, वरना तेरी बातों में भी बहुत नदानी, हुक्म की नहीं चलेगी, हुक्म की नहीं चलेगी, नहीं गा पाऊंगा। हमारा टाइम खत्म हो रहा है, जस्ट लास्ट एक सॉन्ग जो मैं और कविश दोनों ने कंपोज किया था, एक्चुअली हम दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं, तो इनका ही दोष है। परफॉर्म नहीं करने दे रहे बोल रहा है मुझे परफॉर्म नहीं करने दे रहे ओह माय गॉड, ठीक है चलो लास्ट सॉन्ग, अपने पास टाइम नहीं है। इस जाने से पहले ये गाना जो गलत सलत, इस गाने का नाम गलत सलत है। अच्छा वो भी है। आप टाइम बढ़वा दीजिए वहां से 10 मिनट और। तो इस देश में एक बार मेरा दोस्त से कॉन्वर्सेशन हो रही थी कि इस देश में जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहां मैं पहले नागरिक हूँ या पहले इंसान हूँ। तो मेरा दोस्त कह रहा था कि भाई नागरिक हैं पहले, तो मुझे लग रहा था कि बात जम नहीं रही, कुछ सोच के जवाब देंगे। तो मुझे लगा कि इस देश में जहाँ मेरा जन्म हुआ है वहाँ नागरिक होना मेरा फर्ज है इस व्यवस्था के प्रति, इस नेशन, और लेकिन मैं पहले इंसान हूँ। तो ये जो बढ़ता आजकल देश प्रेम का सीजन चल रहा है पूरा दुनिया भर, जहाँ देखिए आप उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये गाना है गलत सलत। Mm-hmm.
और इसमें आप सभी शरीक होंगे तो और मजा आएगा, क्योंकि तो बहुत प्यारा इसका, इसके बोल बहुत अच्छे हैं। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, भाव सब गलत सलत, हिसाब सब गलत सलत, खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर जनाब, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, है भाव सब गलत सलत, हिसाब सब गलत सलत, खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत। है सुबह चुप है शाम चुप, अवाम चुप निजाम चुप, गमों पे बेगमात के है सुबह गुलाम चुप, गमों पे बेगमात के है राह चुप गुलाम चुप, है दौरे बेहिसी कोई जुबान खोलता नहीं, न जाने कैसा शोर है रहीम चुप है राम चुप, तमाम जिद फिजूल की चली ना एक शूल की, तमाम जिद फिजूल की चली ना एक शूल की, रखे है बागबान ने गुलाब सब गलत सलत, गुलाब सब गलत सलत, सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, है भाव सब गलत सलत। सेकंड अंतरा कविश। चला जो तीर बेसबब, बहा जो नीर बेसबब, चला जो तीर बेसबब, बहा जो नीर बेसबब, उठी जो अहले अमन की दिलों में पीर बेसबब, कहीं पे कुछ बड़ा नहीं, कहीं पे कुछ घटा नहीं, यहाँ पे मीर बेसबब, यहाँ कबीर बेसबब, न जाने क्या लिखा गया, न जाने क्या पढ़ा गया, जहाँ में यारो अमन की किताब सब गलत सलत, किताब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, सब सब गलत सलत, सब गलत सलत। तानाशाही की जितनी भी दीवारें तोड़ दो, ये तेवर हैं जो तुम्हारे तुम छोड़ दो, तानाशाही की जितनी भी दीवारें तोड़ दो, ये तेवर हैं जो तुम्हारे तुम छोड़ दो, तेरा ही मर्तबा सही तू ही यहाँ खुदा सही, मगर तेरे निसार में कमी तो कुछ जरूर है, कमी तो कुछ जरूर। सवाल सब गलत सलत, जवाब सब गलत सलत, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, ना तुम सही ना हम सही, खुशी सही ना गम सही, ना तुम सही ना हम सही, ना खुशी सही ना गम सही, हुजूर सब गलत सलत, जनाब सब गलत सलत, हुजूर
जनाब सब गलत सलत गुरु ताज का कहीं फराज का सुरूर है कहीं तमाम उम्र की थकन से जिस्म चूर है तेरा ही मर्तबा सही तू ही यहाँ खुदा सही मगर तेरे निसार में कमी तो कुछ सही है तेरा ही मर्तबा सही तू ही यहाँ खुदा सही मगर तेरे निसार में कमी तो कुछ जरूर है जहाँ लबों पे प्यास है न जान आस पास है न जाने किसने बाट दी शराब सब गलत सलत शराब सब गलत सलत हुजूर सब गलत सलत जनाब सब इतना प्यारा सॉन्ग है इसको लिखा है मेरे एक अजीज दोस्त हैं दिल्ली के चरणजीत चरण हार्डली 30-35 उनकी एज होगी लेकिन इतना पावरफुल सॉन्ग उन्होंने लिखा है थैंक्स टू हिम कि हमें इतनी अच्छी पोइट्री आपके साथ शेयर करने को मिल रही है शुक्रिया जस्ट ए स्किल जस्ट एक फरमाइश थी दो लाइन से मैं ख़त्म कर रही हूँ कहता ये पल खुद से निकल जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल गम मुसाफिर था जाने दे धूप आंगन में आने दे जीते हैं चल जीते हैं चल जीते हैं चल थैंक यू सो मच Thank you.